नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देखिएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके टेस्ट सीरीज 299 रुपए की यह सीरीज है, जो भी लोग लेना चाहे ले सकते हैं। इसमें आप लोग को 2000 MCQ, करंट अफेयर की सीरीज और वनलाइनर सीरीज, नोट्स, बहुत कुछ मिलेगा। तो जो लोग इसे कंप्लीट करना चाहते हैं कंप्लीट कर सकते हैं। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और केवल 299 रुपये की यह सीरीज है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आइए टेस्ट 21 मतलब टेस्ट संख्या 21 को देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के सामने आ रहा है। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? देखिए मित्र, जो इसके पहले मैं सीरीज दे चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाइए, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके टेस्ट प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर करंट अफेयर टेस्ट प्लेलिस्ट में जाइए, सब इंपॉर्टेंट है और पूरी पूरी सीरीज दी जा रही है। इसके बाद मैं वन लाइनर सीरीज भी दूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर या एमपी जीएस की जीके की सीरीज है, वो वन लाइनर सीरीज भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, पब्लिक टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। केवल 299 का सीरीज है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या एक देखिएगा, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, समय की बाध्यता है। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? उपेंद्र, मुंज, गांगेय देव या उत्तरादित्य। तो उपेंद्र तो परमार वंश के शासक थे, मुंज भी थे परमार वंश के शासक, उदयादित्य भी थे। कौन नहीं थे? तो गांगेय देव विकल्प सी जो है आपका वह सही है। प्रश्न संख्या दो देखिएगा, धंगदेव किस वंश का शासक थे? जेजाग भुक्ती के चंदेल, मालवा के परमार थे, महिष्मती के कलचूरी थे या त्रिपुरी के कलचूरी थे। तो यह जेजाग भुक्ती के चंदेल थे, जेजाग भुक्ती के चंदेल वंश के शासक थे धंगदेव, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यह भी है। प्रश्न संख्या तीन देखिएगा, 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला लिया गया? मतलब 1956 से पहले यह क्षेत्र मध्य प्रदेश में था, 1956 तक यह मध्य प्रदेश में था, लेकिन 1956 में यह क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया। वह क्षेत्र कौन सा है, वह प्राकृतिक क्षेत्र कौन सा है? मालवा, तो मालवा तो मध्य प्रदेश में है, यह नहीं है। छत्तीसगढ़ तो अलग राज्य ही बना सन 2000 में। तो विदर्भ वह क्षेत्र है जो 1956 तक मध्य प्रदेश में था, लेकिन अब यह महाराष्ट्र में मिला दिया गया। विदर्भ जो क्षेत्र है ना, वह महाराष्ट्र का वह क्षेत्र है जहाँ जंगली झाड़ियां हैं, कटीले पौधे आदि उगते हैं। आमतौर पर जो रसदार पौधे हैं वह वहां पर उगते हैं, रसदार फल विदर्भ वाले क्षेत्र से ही आते हैं, जैसे अंगूर हुआ, नाशपाती हुआ, संतरा हुआ, अनास हुआ, अनार आदि, ठीक है। यह विदर्भ का क्षेत्र 1956 तक मध्य प्रदेश में था, लेकिन अब यह महाराष्ट्र में है। तो यह देखिए, इतना टिपिकल प्रश्न आप लोगों के लिए है ये सब। प्रश्न संख्या चार देखिएगा, मंडला जो राजधानी थी किसकी थी? सिंधिया की, होलकर की, गोंड की या परमार की? तो किस वंश की शासक थी मंडला, किस वंश की राजधानी थी मंडला? मंडला थी गोंड की राजधानी, गोंड राज्य की राजधानी थी मंडला। प्रश्न संख्या पांच इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने किया? माधवराव सिंधिया, बाजीराव सिंधिया, महादजी सिंधिया। तो ग्वालियर राज्य की स्थापना करने वाले थे महादजी सिंधिया। ये सभी समझिए सोना वाला प्रश्न मैं ला रहा हूँ, गोल्डन प्रश्न है ये सब, जो आने का संभावना है वह सब मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। प्रश्न संख्या छह देखिएगा, मध्य प्रदेश में अवंती किसे कहा जाता है? अवंती जो था 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था अवंती, ठीक है। तो अवंती महाजनपद की राजधानी थी, अवंती किसे कहा जाता था? विदिशा को, उज्जैन को, इंदौर को या धार को? तो अवंती कहा जाता था विदिशा को। हमें क्षमा करिएगा अगर आप लोग को ये लग रहा है मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग के पास खुद यूट्यूब की इस प्रकार की फैसिलिटी है कि आप हमारी स्पीड को घटाओ या बढ़ा सकते हैं। प्रश्न संख्या सात देखिएगा, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किस दुर्ग को कहा जाता है? बांधवगढ़ को, मांडू को, ग्वालियर को या झांसी को? जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है ग्वालियर को, ग्वालियर को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न संख्या आठ देखिएगा, उत्तर भारत की 16 महाजनपदों में से किसने मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित है? उत्तर भारत के जो 16 महाजनपद थे, उत्तर भारत के 16 जनपदों में से कितने मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित हैं? यह महाजनपद होगा, ये 16 महाजनपद थे, ठीक है। बुद्ध काल में, बुद्ध महावीर के काल में 600 BC में 16 महाजनपद थे, ठीक है। तो इन 16 महाजनपदों में कितने मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित हैं, मतलब मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद थे? तो एक महाजनपद तो आपका अवंती महाजनपद था, ठीक है। एक और महाजनपद था, उसको कमेंट करके बताइएगा। तो कितने महाजनपद थे? 1, 2, 3, 4। तो दो महाजनपद आपके मध्य प्रदेश में थे, एक अवंती महाजनपद है, दूसरा महाजनपद कौन सा है जो मध्य प्रदेश में है, आप कमेंट करके बताएं। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा,
कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित कौन सा राजवंश है? कलचूरी वंश, प्रतिहार वंश, चालुक्य वंश या काकतीय वंश? कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से संबंधित कौन सा है? कलचूरी वंश। कलचूरी वंश जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। कलचूरी वंश की राजधानी थी त्रिपुरी। त्रिपुरी में ही 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? अधिवेशन किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। त्रिपुरी जो है जबलपुर के पास है, तो त्रिपुरी ही राजधानी थी कलचूरी की, कलचूरी वंश की। तो कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो कलचूरी वंश, विकल्प ए जो है आपका सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया? मैं जो पेंटअप यूज करता हूँ ना लिखने के लिए, वो थोड़ा खराब है, तो थोड़ा सा आज बस आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, अगले दिन से दिक्कत नहीं रहेगी, इसलिए मैं बहुत सारी चीजें मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। प्रश्न 10 देखिएगा। किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया? ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी किस वंश ने बनाया? बुंदेला राजवंश, चंदेल राजवंश या मुगल राजवंश? तो ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था बुंदेलों ने। बुंदेलों ने, विकल्प ए जो है आपका सही है, विकल्प ए बुंदेलों ने बनाया था। प्रश्न 11 देखिएगा। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैल चित्र कहाँ पाए गए हैं? शैल चित्र कहिए या शिला चित्र कहिए, या कहाँ पाए गए हैं मध्य प्रदेश में? तो शैल चित्र का मतलब होता है पत्थरों पर चित्रकारी, शैल पर चित्रकारी। तो मध्य प्रदेश में जो प्रागैतिहासिक शैल चित्र पाए गए हैं कहाँ पाए गए हैं? बाघ की गुफा में, उदयगिरी में, शोनगिरी में या भीमबेटका में? तो प्रागैतिहासिक शैल चित्र जो पाए गए हैं वह भीमबेटका में पाए गए हैं, मतलब विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? उज्जैन, इंदौर, धार या ग्वालियर? तो अहिल्याबाई होलकर ने कहाँ राजधानी बनाई थी? तो वह राजधानी बनाई थी इंदौर में, विकल्प बी जो है आपका वह सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 देखिएगा। किस ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती को राजधानी उज्जैनी थी? देखिए थोड़ा लिखने में स्प्रिंट हो गया है। किस ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती को राजधानी उज्जैनी थी, मतलब अवंती की राजधानी उज्जैनी थी? यहाँ अति लिखा है, होना चाहिए अवंती। ठीक है, अवंती महाजनपद था तो अवंती होना चाहिए, तो लिखने में दिक्कत हो रही है, इसका पेन टैप जो लिखता हूँ वह सही नहीं काम कर रहा है, तो कल मंगाता हूँ यहाँ। तो देखिए किस ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती को राजधानी उज्जैनी थी, मतलब अवंती की राजधानी उज्जैनी थी? तो पाली ग्रंथ में, प्राकृत ग्रंथ में, विष्णु पुराण में या इनमें से कोई नहीं? तो पाली ग्रंथ में पता चलता है, पाली ग्रंथ में पता चलता है कि अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। अवंती राज्य की दो राजधानियां थी, एक उज्जैनी और एक महिष्मती, जय महिष्मती। ठीक है, यह वही वाला महिष्मती था। ठीक है, तो इस तरह समझ सकते हैं विकल्प ए जो है पाली ग्रंथ में। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा। मध्य प्रदेश की नर्मदा किसने बताई? अच्छा, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी, देखिए यहाँ पर भी मिस प्रिंट हो गया। मध्य प्रदेश की, मतलब मध्य, या प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे मांधाता नगरी किसने बसाई थी? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नगरी किसने बसाई थी? तो राजा मांधाता के क्या बोलते हैं, याद में, स्मृति में मृचकुंड, जो जो इक्ष्वाकु वंश के शासक थे, मृचकुंड मतलब भगवान राम के वंशज थे, मृचकुंड पूर्वज थे, मृचकुंड ने वह नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नगरी बसाई थी, विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा। पनगुड़िया से प्राप्त हुआ है, पनगुड़िया से क्या प्राप्त हुआ है? शिलालेख, पाषाण उपकरण या गुफा? पनगुड़िया से क्या प्राप्त हुआ है? पनगुड़िया से प्राप्त हुआ है शिलालेख, विकल्प ए जो है वह आपका सही है, विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा। मध्य प्रदेश के किस स्थान से कुषाण नरेश बिंब कदफिसस का सिक्का प्राप्त हुआ है? कुषाण नरेश बिंब कदफिसस का सिक्का मध्य प्रदेश से मिला है, वो भी किस स्थान से मिला है, यह आप लोग को देखना होगा। तो यह मिला है विदिशा से, विदिशा से मिला है। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जी के टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। आप मैसेज करिएगा जिनको भी कोर्स चाहिए। ठीक है, और यही हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, यही फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यही नंबर है, पेमेंट करके स्क्रीन शॉट भेजिएगा। बहुत ही बढ़िया 2000 MCQ मिलेगा, करंट अफेयर की सीरीज मिलेगी, बाकी नोट्स मिलेंगे। धन्यवाद आप लोग को।